दिल्ली में लेकर माफिया पर शिकंजा कसने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सारे फैक्टर्स को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से दिल्ली में लिकर माफिया अपना अवैध कारोबार चलाने में कामयाब होता है, जिनकी वजह से चला पाता है। इसकी बैकग्राउंड यह है कि आपको सूचना भी है उसकी, कुछ महीने पहले दिल्ली में एक्साइज डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी कि दिल्ली के लिकर सिस्टम को क्लीन करने के लिए, दिल्ली में लिकर ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए और ख़रीदने के एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए, और जो इतना इलिसिट इधर उधर बिखरता रहता है, रेवेन्यू लीकेज हो रही है, इसको ठीक करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उसके बाद में उस रिपोर्ट पर और बाकी चीज़ों पर पब्लिक के सुझाव भी मांगे थे। 14,700 कमेंट्स पब्लिक की तरफ से आए, जनता के पास से आए और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था कैबिनेट में, जिसमें यह तय हुआ था कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और जो 14,700 सजेशंस हैं और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको डीपली स्टडी करके जो रिक्वायर्ड रिफॉर्म है उनको सजेस्ट करे। तो आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशंस कैबिनेट के सामने रखी गई थी। दिल्ली के लिकर सेक्टर की, दिल्ली में लिकर के डिस्ट्रीब्यूशन और सेल की एक वर्तमान तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये आप देखें तो ये जो मैप है दिल्ली का, इसमें आपको ब्रॉडली दो कलर दिखाई दे रहे हैं, रेड और ब्लू। तो ये जो रेड है, डार्क रेड या लाइट रेड, बेसिकली ये दिल्ली में ऐसा एरिया है जहां शराब की दुकान बिल्कुल नहीं है या एक दुकान है, अनसर्व्ड है। डार्क रेड जितना है वो अनसर्व्ड है और जो लाइट रेड है वो अंडर सर्व है, जिसमें केवल शराब की एक दुकान है, वैसा ये एरिया है। तो इसको दे, और दूसरा जो ब्लू है, ब्लू एरिया वो है जो ओवर सर्व्ड है। तो दिल्ली में अगर देखें तो या तो दिल्ली के कुछ इलाके ओवर सर्व्ड हैं और दिल्ली के ज्यादातर इलाके अनसर्व्ड हैं या बहुत बुरी तरह से अंडर सर्व्ड हैं। उसकी वजह से दिल्ली में शराब माफिया अपनी जगह बनाता है, सबसे बड़ा कारण उसमें यह है। मैं इस मैप को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। दिल्ली में आप सबको पता है 272 वार्ड्स हैं, तो इन 272 वार्ड्स में से 80 वार्ड्स ऐसे हैं, 79 वार्ड्स ऐसे हैं जहां जीरो शॉप है, एक भी शॉप नहीं है। ये डार्क रेड जो है वो आपको एरिया दिखाया है। 45 वार्ड्स ऐसे हैं जहां एक शॉप है, जो लाइट वो दिखाया है आपके सामने, और थोड़ा सा ग्रीन जो है जो दिखाया है लाइट ग्रीन वाला, जहां दो शॉप्स हैं। ये सारा इस तरह से देखें तो 158 वार्ड्स ऐसे हैं, यानी कि 272 में से 58% दिल्ली या तो अनसर्व्ड है या अंडर सर्व्ड है, या तो एवरेज के हिसाब से देखें तो या तो वहां शराब नहीं उपलब्ध है, कोई दुकान नहीं है, या है तो इक्का दुक्का दुकान है, ऐसे में ही सारा अवैध कारोबार चलता है शराब का। दूसरी तरफ जो प्योर ग्रीन एरिया है उसको आप देखेंगे तो वो हम मान रहे 3 एवरेज, अगर किसी वार्ड में दुकानें हैं तो वो जनरल है, केवल 8% ऐसा है जो नॉर्मली सर्व है। स्लाइटली ओवर सर्व 4 से 5 दुकानें हैं जहां पे, वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है, हल्का सा लाइट ब्लूश। ये आप देखेंगे तो 37 वार्ड ऐसे हैं। इंटरेस्टिंग है कि इसमें 6 से 10 या मतलब 6 दुकानों से ज्यादा और किसी में तो 10 से ज्यादा दुकानें हैं। 54 वार्ड्स ऐसे हैं, यानी कि 20% दिल्ली ओवर सर्व्ड है। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि एक तरफ तो अवैध कारोबारी अपना काम चला रहे हैं, घरों में, गोडाउन्स में, दुकानों में अवैध शराब बेच रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हम भी जानते हैं, हम बात भी करते रहते हैं आपस में, कि एक एक गली में 2-2, 3-3 दुकानें हैं। यहां तक कि कुछ मॉल्स ऐसे हैं जहां 8-8, 10-10 दुकानें तक हैं शराब की और वो खुलती चली गई। तो ये एक तस्वीर है दिल्ली के सिस्टम की जो मैंने आपके सामने रखी। यही चीज मैं रेवेन्यू के भी कह सकता हूं आपके सामने,
कि अच्छा इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है मैंने नोट की थी कि 50% 850 के करीब दुकानें उनमें से 50% दुकानें केवल 45 वार्ड्स में है। तो आधी दुकानें जो लिकर शॉप्स हैं वो तो 45 वार्ड्स में ही है। तो इस तरह से बहुत ही अनइक्वल सर्विंग ऑफ लिकर की वजह से बहुत सारे इलाके ऐसे रह जा रहे हैं या जो या तो ओवर सर्व है या एकदम सर्व नहीं है। रेवेन्यू का देखें तो 50% रेवेन्यू जो है वो 189 शॉप से आ रहा है और 46 वार्ड से आ रहा है। तो ये भी एक बताता है कि बाकी सब जगह से चोरी हो रही है। लिकर कंजम्पशन तो सब जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लिकर कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो बाकी इलाकों में लगातार चोरी हो रही है। ये मैं थोड़ी सी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता था ताकि मैं आपको बता सकूं कि हो क्या रहा है दिल्ली में, हो क्या रहा है। उसी क्रम में एक चीज और आपके सामने रखना चाहता हूं कि अभी तक हम लोग कोशिश करते रहे कि एक्साइज डिपार्टमेंट की सख्ती से इसको कंट्रोल में लाया जाए। पिछले 3-4 साल में काफी कोशिशें की थी और उसके रिजल्ट हैं कि पिछले दो साल में करीब 7,09,000 बोतल अवैध शराब पकड़ी हमारी टीम ने, 7,09,000 बोतल। 1864 एफआईआर की अवैध शराब कारोबार पे, शराब माफिया के खिलाफ 1864 एफआईआर की है। 1939 लोग अरेस्ट किए हैं पिछले दो साल में। 1014 करीब 1000 व्हीकल्स जब्त किए जिनपे शराब माफिया से जो जब्त किए गए हैं। लेकिन ये मैं कहता हूं ये तो टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है। ये शराब इंटरनेशनल जो शराब माफिया का धंधा है दिल्ली में वो काफी हद तक बढ़ा हुआ है। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद यही पकड़ में आ पाए। जो मोटे तौर पर दुकानें बताते हैं कि दिल्ली में 850 तो शराब की दुकानें हैं लेकिन जो ऑथराइज्ड हैं करीब 2000 इलीगल शराब माफिया दुकानें चलाता है। 2000 दुकानें जो घरों में चलती हैं, जो दुकानों से सप्लाई होती है, जो कुछ पर्टिकुलर गोडाउन्स हैं। तो इन सब को रोकने के लिए अब एक पॉलिसी बनाई जा रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस सब को, पूरे शराब माफिया को शिकंजा कसने के लिए जो सुझाव दिए हैं वो इस तरह से हैं। अभी उसको मैं जिक्र करूंगा कि पहले तो ये तय किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने और जो मुख्यमंत्री जी ने, आज सरकार ने स्वीकार किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि दिल्ली में शराब की नई दुकान नहीं खोली जाएगी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लेकिन शराब की नई दुकान खोल के नहीं करेंगे। तो जितनी दुकानें हैं उतनी ही दुकानें रहेंगी, दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। और ये बताते हुए मैं ये भी बता दूं कि आज जितनी दुकानें हैं, 2016 में जितनी दुकानें थी उसके बाद से दिल्ली में नई शराब की दुकान नहीं खोली गई है। 2016 से कोई नई दुकान नहीं खुली है, आगे भी नहीं खोली जाएगी नई दुकान। ये हमारा कमिटमेंट है यहां पे। दूसरा रिफॉर्म ये है कि अभी आधी से ज्यादा दुकानें, करीब 60% दुकानें सरकारी हैं। यहां बहुत चोरी है, यहां ब्रांड पुशिंग होती है, यहां टैक्स की भी चोरी देखी गई, हमने स्टडी किया यहां पे उनका। उस सब के बावजूद 40% दुकानें जो प्राइवेट हैं उनसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है बनिस्पत 60% सरकारी दुकानों के मुकाबले। तो ये सारा डेटा स्टडी किया और ये तय किया कि अब दिल्ली में सरकार की शराब की दुकान नहीं होगी। दिल्ली में सरकार की शराब की दुकानें विड्रॉ कर ली जाएंगी क्योंकि गवर्नमेंट की जो दुकानें हैं वो 150 गज में है, 150 स्क्वायर फीट की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें, और उनके बाहर आप देखेंगे तो जेल जैसा दृश्य रहता है आमतौर पे। वो खिड़की का दरवाजे जो है उसके सेलिंग काउंटर होता है वो सड़क पे होता है आमतौर पे और वहां एकदम जेल की तरह से लाइन लगी रहती है। तो वो हमने बंद करने का निर्णय लिया है। अब दुकान एक तो गवर्नमेंट की दुकान नहीं होगी और किसी भी लिकर शॉप के लिए कम से कम 500 स्क्वायर फीट की दुकान होना जरूरी होगा। उसके लिए यह भी जरूरी होगा कि उसका कोई भी काउंटर सड़क की तरफ नहीं खुलेगा क्योंकि अभी सरकारी दुकान, शराब की दुकान की बात करो तो बाहर एक खिड़की जिसमें से कुछ लोग हाथ डाल डाल के शराब ले रहे हैं वो नजारा नजर आता है। ये बंद हो जाएगा दिल्ली में नजारा। 500 स्क्वायर फुट से नीचे कोई शराब की दुकान नहीं होगी, बाहर खड़े होकर कोई शराब नहीं बिकेगी। जो काउंटर होगा वो अंदर होगा, सेल काउंटर से लेके पिकअप सब कुछ अंदर होगा, बाहर से वो शराब नहीं बेच सकेगा। ये दुकान की जिम्मेदारी होगी,
ये दुकान वालों की जिम्मेदारी होगी कि वो दुकान के बाहर लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखें, वो साफ सफाई रखवाएं, वहां वातावरण ठीक रखें, किसी तरह का इलिसिट कंज्यूमर या ओपन कंजम्पशन, ओपन लिकर कंजम्पशन के माहौल वहां पे ना बने, जो ठेले वाले खड़े हो जाते हैं या कोई इस तरह के लोग खड़े हो जाते हैं जिनकी जिनके पास खड़े होकर लोग वहां पे कंजम्पशन करने लगते हैं। ये दुकानदार की जिम्मेदारी होगी कि वहां पर इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो, उसके लिए उसको सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड सब कुछ करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो पुलिस में कहना पड़ेगा, लेकिन वहां नहीं होने देना ये उसके ऊपर डाला जा रहा है जिम्मेदारी दुकान के ऊपर। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो फिर उसके लिए उसका रिकॉर्ड खराब होगा और उसको आगे से दुकान चलाने में दिक्कत आ सकती है। दूसरा इसका प्रिंसिपल है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जैसा मैंने कहा कुछ हिस्सों में ही दुकानें हैं, उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि पूरी दिल्ली में जहां जहां भी शराब माफिया काम कर रहा है दुकान नहीं होने की वजह से, उसके एवेन्यूज बंद हो जाए। आज हम सब जानते हैं कि हर एक विधानसभा में, हर एक वार्ड में दुकानें खुली हुई हैं, कई गलियों में। आमतौर पर ये अपराधी जो हैं, ये जो शराब का काम करते हैं अवैध, ये लोग अपराधी भी हैं, तो वहां अपराध को भी बढ़ावा देते हैं, तो इनका पूरा धंधा बंद हो जाएगा, इन पे इस तरह से शिकंजा कसने की तैयारी की गई है। दूसरा, क्वालिटी लिकर, दिल्ली में जो भी लिकर सेल होगी उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए, वो लो क्वालिटी स्पूरियस लिकर ना हो, इसके लिए सरकार अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगी चेकअप का, सर उसके क्वालिटी चेक का, ये इसमें तय हुआ है। एक और पहलू है कि देश में अलग अलग राज्यों में लिकर कंजम्पशन की परमिसेबल एज अलग अलग है, ये बहुत बार बात उठती रही है कि दिल्ली में ज्यादा है जबकि गुड़गांव, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में कम है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया है कि दिल्ली में लिकर कंजम्पशन की एज नोएडा उत्तर प्रदेश के बराबर कर दी जाए। दूसरा एक फैसला लिया है कि एज गेटिंग होगी। एज गेटिंग का मतलब है कि जिस एज तक की परमिशन है उससे नीचे के बच्चों को, उससे नीचे के व्यक्ति को ऐसे परमाइस में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है जहां लिकर सर्व होती है, यानी कि रेस्टोरेंट्स खासतौर से जहां बार्स हैं या लिकर कंजम्पशन अलाउड है, जहां पे जिनके पास परमिशन है लिकर कंजम्पशन का, उन रेस्टोरेंट्स में केवल अगर अकेले बच्चे आते हैं तो 21 साल से कम के बच्चे को, जो भी एज लिमिट है उससे कम के बच्चे को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। तो ये एक एज गेटिंग एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, दुनिया भर में इसको लागू किया जाता है। खासतौर से माँ बाप इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे अगर अकेले जा रहे हैं तो वो कहीं जाके लिकर कंजम्पशन, कहीं लिकर उसमें बार में ना बैठे। तो किसी भी बार में या ऐसे रेस्टोरेंट जहां लिकर सर्व होती है वहां पर अगर बच्चे अकेले जा रहे हैं तो उनसे एज बार से नीचे के बच्चों को नहीं वहां पे अलाउ किया जाएगा, एंट्रेंस नहीं दी जाएगी उसके लिए। 21 साल हमने यही फैसला किया है कि नोएडा के बराबर, उत्तर प्रदेश के बराबर की जाए। दूसरा, रेस्टोरेंट सेक्टर की, हॉस्पिटलिटी सेक्टर की बहुत दिन से डिमांड्स थी कि बहुत सारे लाइसेंसेस, बहुत सारे उनके परमिशंस बहुत ऑब्सलीट हो चुके हैं, वो बहुत टफ कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं जबकि उनकी जरूरत ही नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइसेंसेस हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, रेस्टोरेंट सेक्टर को फायदा पहुंचाते हुए बहुत सारे ऐसे परमिशंस, लाइसेंसेस, उनको या तो मर्ज कर दिया गया है या खत्म कर दिया जा रहा है, खत्म करने की हमने सिफारिश की है, जो इंडस्ट्री को परेशान करते हैं, इंडस्ट्री की फीडबैक लेके उस पर किया था। क्योंकि जो हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट सेक्टर में बिजनेस काम कर रहा है वो कहता है, साहब मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं ईमानदारी से टैक्स देना चाहता हूं, मैं ईमानदारी से सरकार के रूल फॉलो करना चाहता हूं, लेकिन आपके रूल इतने कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं कि आदमी को परेशान करते हैं, हमें ईमानदारी से काम करने दिया जाए, हम ईमानदारी से टैक्स देने को तैयार हैं। तो उस पर भरोसा करते हुए, उसकी डिग्निटी का सम्मान करते हुए, उसकी ऑनेस्टी का सम्मान करते हुए, बहुत सारे ओल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ रेगुलेशन उनको खत्म किया जा रहा है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। तो कुल मिला के मैं अगर कहूं कि इस पूरे, अब जो रिफॉर्म होंगे उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि टैक्स की, कर की चोरी ना हो, दिल्ली में किसी भी हालत में नॉन ड्यूटी पेड लिकर ना बिक सके,
इसकी पूरी उसमें सिफारिशें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसका रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और इन सबको फायदा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जो रेगुलेशन होगा उसमें अपराध पे भी फर्क पड़ेगा शहर में, क्योंकि लिकर माफिया जो गलत तरीके से काम चलाता है वो अपराध भी बढ़ाता है, और इससे सरकार को भी ये फायदा होगा कि लगभग लगभग 20% रेवेन्यू एक साथ बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जो पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड रहा है लगभग 5% रेवेन्यू ग्रोथ होती है। तो ये हमारा एक मोटा मोटा आकलन है कि 1500 से 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू इसमें बढ़ सकता है एक ही साल में। ये अपने आप में एक अलग तरीके का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंट फेयर प्रैक्टिसेस वाली पॉलिसी जो शराब माफिया को नीचे लेके आएगी, शराब माफिया के खिलाफ शिकंजा कसेगी और अपराधियों के और शराब के बेचने वालों के बीच जो गठजोड़ बन जाता है उसको तोड़ेगी, उस तरह की एक पॉलिसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड की जिसको आज सरकार ने मंजूर किया है। बस अब पॉलिसी इसी साल से लागू हो जाएगी। अब इसका आज सरकार ने इसकी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट मंजूर कर ली है।